अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो एसओ सीरीज जो इंस्ट्रूमेंट प्लेन केवल सर्वे में उपयोग होते हैं वो 6 होते हैं, तो 3 को हम जस्ट अभी अभी डिस्कस किए। अब चौथा बताते हैं, चौथा बताएंगे कि स्प्रिट लेवल। तो आपने बबल ट्यूब का नाम इससे पिछले सेमेस्टर में लेवलिंग में सुना होगा, इसका उपयोग हम लोग कब करते हैं, ठीक है, मतलब प्रॉपरली लेवलिंग के लिए। लेवलिंग कहने का मतलब है कि पूरे पूरे लेवल हो, मतलब परफेक्टली लेवल के लिए करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ट्राइपॉड स्टैंड हम लोग सेट करेंगे, ठीक है, उसमें स्प्रिट टेबल आएगा, ठीक है, तो वो लेवल होना चाहिए। तो प्लेन टेबल सर्वे में इसका आखिर स्प्रिट लेवल क्यों आया, क्या उपयोग है? तो जब हम ट्राइपॉड स्टैंड पे प्लेन टेबल सर्वे करते हैं तो प्लेन टेबल को रखते हैं और उस पर एक स्प्रिट लेवल, ठीक है, जो लेवलिंग पर्पज से उपयोग किए जाते हैं, हम टेबल पर रखते हैं, हर एक जगह रख के देखते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए ये टेबल है, तो यहाँ हम स्प्रिट लेवल रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, और सब तक जब तक कि सेंटर में जब उसका बबल ट्यूब आ जाए सेंटर में। तो कहने का मतलब है जब यही पढ़े थे कि सेंटर में आता है तो परफेक्टली लेवल आता है, तो ये परफेक्टली लेवल हो गया, ठीक है। मतलब ग्राउंड से जो प्लेन टेबल पर हम रखे वो परफेक्टली लेवल हो जाता है, तब हम अपनी प्रोजेक्ट या वर्क को आगे बढ़ाते हैं। तो स्प्रिट लेवल का काम है, द मेन फंक्शन ऑफ स्प्रिट लेवल इज टू इट्स हेल्प्स अस टू डू ए परफेक्टली लेवल ऑन द प्लेन टेबल सर्वे। तो प्लेन टेबल सर्वे पर हम लोग जब परफेक्टली लेवल करेंगे, एक लाइन में एक सीध में रखेंगे, कहने का मतलब है लेवल का, कहने का मतलब है, तो इसका स्प्रिट लेवल का हम लोग उपयोग करेंगे। तो आगे है कंपास। तो कंपास का हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ को साउथ को इंडिकेट करता है कंपास। तो हम लोग सर्वेयर प्रिज्मेटिक कंपास तो पढ़े, पर यहाँ एक अलग प्रकार का कंपास है जिसको हम ट्रो कंपास करते हैं, ट्रू कंपास, TRO UGL ट्रो कंपास, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। यह एक ओरिएंटेशन में करते हैं, ओरिएंटेशन क्या है जस्ट आगे पढ़ेंगे। अभी इतना ही समझिए कि इसको हम नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, ठीक। तो कंपास का उपयोग तो हम लोग कर लिए, तो हम लोग को मालूम हो गया। देखिए अब हम लोग फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तब को ये तो मालूम नहीं होगा कि कौन नॉर्थ है कौन साउथ है, तो वहां में हम लोग ट्रो कंपास का उपयोग करते हैं ताकि वो हमको डायरेक्शन को बता दे, ठीक। वो हो गया ट्रो कंपास। अगला है ड्रॉइंग पेपर, ठीक है, विथ रेन प्रूफ कवर। अब रेन प्रूफ कवर ही क्या, तो ड्रॉइंग पेपर देखिए, जब हम प्लेन टेबल रखते हैं तो उसमें ड्रॉइंग शीट जो देखते हैं वही ड्रॉइंग पेपर है, ठीक, वहां पे रखा जाता है प्लेन टेबल पे, ठीक, और उसको एक क्या कहें रेन प्रूफ कवर। अब मान लीजिए कि हम लोग सर्वे कर रहे हैं और हम लोग आधा वर्क हो गया है, ठीक, और वर्षा उर्षा हो गई या कोई आंधी तूफान वगैरह सब आ गया, बहुत आंधी तूफान और वर्षा, तो मान लीजिए कि हमारा कहीं पेपर में हम रेन प्रूफ कवर का उपयोग नहीं किए, तो वो मान लीजिए भींग जाएगा, तो उसका मान लीजिए हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमको सेकेंड दिन शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट। तो इसीलिए हम रेन प्रूफ कवर का उपयोग करते हैं। तो आज मैंने क्या क्या डिस्कस किया कि प्लेन टेबल सर्वे होता क्या है, उसमें एसओ सीरीज क्या है, ठीक। अब देखिए अगले टॉपिक हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो है प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। अब इसका कुछ न कुछ प्लेन टेबल सर्वे का प्रिंसिपल होगा जो कि हम जस्ट अगले लेक्चर में उपयोग करेंगे और आप लोगों को जानकारी दी जाएगी।